तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस यूनिट में हम देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या होता है इसी, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है हमारा, ये मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, आपका कंडक्शन कंडक्टेंस, कोलराउस लो, फैराडे लो, कमर्शियल बैटरीज, कोरोजन, ये मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा इसमें वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वो सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड, जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में या फिर किसी सॉल्यूशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो जो सेल बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा दो टाइप का होता है, फर्स्ट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड सेकेंड इन गैल्वेनिक सेल, सेकेंड इन गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं, वोल्टेज सेल। देख लो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो वो तो आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है वो आता है हमारा गैल्वेनिक सेल में। मेनली इस चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के। थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, जनरली दो हमारे इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड, और एक ही सॉल्यूशन में उन्हें डिप किया जाता है और उन्हें बैटरी से हम जोड़ देते हैं। इसमें बाहर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है और तब जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो केमिकल जो हमारा गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड होती है फिर वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना यहाँ पे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, क्या क्या डिफरेंस आते हैं इसमें? नंबर एक तो वही जो हमने बताया आपको कि इसमें एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ली जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें जो है हमारी केमिकल एनर्जी खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होगा, ये चीज आगे हम पढ़ेंगे भी, और इसमें जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा एनोड होता है। इसमें जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा, और इसमें जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा कैथोड होता है। इसमें हमें किसी सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें हमें सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, उसका फंक्शन आपको अभी बताया जाएगा। इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, और इस वाले में दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। तो अब आप आ जाइए इस पे, इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्या होता है देखिए जरा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, इस हेडिंग को मैं एक बार यहां पे डालता हूं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। देखिए भाई
वो डिवाइस जो हमने अभी बताया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और गैल्वेनिक सेल का जो कॉमन एग्जांपल होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल वो होता है हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल या फिर जो हमारी कमर्शियल बैटरीज होती है, आपकी लैंड स्टोरेज बैटरी, आपका ड्राई सेल, तो वो सब के सब हमारे जो है इसमें आपके गैल्वेनिक सेल में ही आते हैं। तो डैनियल सेल देखिए सबसे पहले क्या होता है डैनियल सेल में इसमें एक हमारे पास सपोज हम इसे जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं वो जिंक और कॉपर के लिए जाते हैं। इसमें क्या है, सपोज ये एक हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, हम जिंक के किसी भी सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, और उसमें जिंक की लोड हमने डिप कर दी। एक दूसरा हमारे पास ये हमारा हाफ सेल बन जाता है, इतना कहलाता है हाफ सेल। एक दूसरा हाफ सेल हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें हमने कॉपर की रोड डिप कर देते हैं। ये हमारी कॉपर की रोड है और ये हमारी जिंक रोड है, ठीक। दोनों जो हाफ सेल बनते हैं हमारे, इन दोनों हाफ सेल को एक अमीटर, एक मेटेलिक वायर अमीटर से हम उसे जोड़ते हैं। जब हम इसे अमीटर से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ये जिंक रोड है, जिंक की रोड से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जेड एन टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और टू इलेक्ट्रॉन इससे लूज होते हैं। तो इस पर इधर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ये दबा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रॉन पर होगा वो कहलाएगा एनोड। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, वो इलेक्ट्रॉन हमारे इस पर आए, यहां से गए हमारे इधर, यहां, ठीक है, यहां हमारे इलेक्ट्रॉन आए। इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन है, वो Cu2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं Cu। तो Cu2 पॉजिटिव आयन उन टू इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, Cu में। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ऑक्सीडेशन। ये एनोड पर हुआ, ये क्या हुआ हमारा कैथोड पर। जब यहां ये, तो ये हमारा क्या हो गया एनोड, और ये हमारा क्या बन जाता है कैथोड, ठीक है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो इस पर यहां नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए यहां एनोड नेगेटिवली होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये दो हाफ सेल रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेशन एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, रिडक्शन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। हम दोनों को प्लस कर देते हैं, टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाते हैं, इधर का इधर और उधर का उधर लिख देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस C। ये सेल रिएक्शन कहलाती है, ये है सेल रिएक्शन, और ये एक रिडोक्स रिएक्शन होगी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। आप देखिए यहां Zn का Zn2 पॉजिटिव में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, और यहां Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या हुआ रिडक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट से हमें केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, तो अमीटर की जो रीडिंग है वो बताएगी हमें कितना करंट बना, कितने वोल्ट करंट बना। इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर था इस डायरेक्शन में, हमने पढ़ाया फिजिक्स में, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर होगा हमारा तो करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो कितना करंट फ्लो हुआ वो हमारा यहां से आ जाएगा, ये पॉइंटर हमें बताएगा कितने वोल्ट करंट बना। तो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। अब एक चीज ध्यान देंगे हम, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर हुआ तो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इधर जाते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इधर कैटायंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिंक आयन की, तो वो करंट बनना बंद हो जाता है। अब उस प्रोसेस को कंटिन्यू हम करना चाहते हैं, करना पड़ेगा हमें कंटिन्यू, लगातार अगर हमें करंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक यू शेप ट्यूब, ये
हम एक यू शेप ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा देते हैं, इस और इस ट्यूब के अंदर भरा जाता है सोल्ट, और इसे सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इस ट्यूब के अंदर कौन सा सोल्ट भरा जाता है, जैसा आपका KCl, KNO3, वो डिपेंड करता है इन सॉल्यूशन पर, ये सॉल्यूशन किस चीज के हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सपोज हमने KCl का सॉल्यूशन लिया, और सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सोल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, न्यूट्रलिटी बनाए रखता है जिससे कि कंटिन्यूअसली हमें करंट मिलता रहे। वो कैसे होगा, सपोज हमने KCl भरा हुआ इसमें, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, या आप इधर K पॉजिटिव आयन लीजिए, इधर Cl नेगेटिव, ये K पॉजिटिव पोटेशियम आयन हमारे इधर जाएंगे, क्लोराइड आयन हमारे इधर जाएंगे, तो ये पोटेशियम आयन हमारे हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी हाई है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्लोराइड आयन इधर आ जाते हैं हमारे, वो कैटायन को हमें न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सोल्ट ब्रिज जो है ये क्या काम करता है, सोल्ट ब्रिज का मेनली टू वर्क है, एक तो ये इस सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड सेकेंडली इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, पेपर में भी आते हैं, हमें करने पड़ेंगे आगे, तो उसमें इतना बड़ा फिगर नहीं दिया जाएगा आपको, इस इतने बड़े फिगर को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटे तरीके से, और आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए ये तो हमारी सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन से हमारी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारी सेल रिएक्शन है इस सेल में जो हुई, जिसके हमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हुई। सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन छाटते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ हमें किसका, Zn का, Zn2 पॉजिटिव में, क्योंकि 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और रिडक्शन किसका हुआ, Cu2 पॉजिटिव का Cu में, क्योंकि प्लस 2 से 0 हो गई, तो ये रिडक्शन हुआ। तो हम क्या करते हैं, सबसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हुआ इस तरीके से स्लैश लगाकर, और रिडक्शन राइट साइड में लिखा जाएगा Cu2 पॉजिटिव का किसमें हुआ, Cu में रिडक्शन हुआ। बीच में दो डंडे लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये तो करता है मतलब जिंक की रोड थी, जिंक का कोई सॉल्यूशन था, जिंक के सोल्ट का एक तरफ, दूसरा इलेक्ट्रोड जो था हमारा कॉपर की रोड थी, कॉपर का कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, जिंक पर हुआ ऑक्सीडेशन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और इधर हुआ हमारा क्या रिडक्शन, इसने गेन करे। ये दो डंडे रिप्रेजेंट करते हैं सोल्ट ब्रिज को, मतलब हमारे दोनों जो सॉल्यूशन थे वो सोल्ट ब्रिज से जुड़े हुए थे, तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हमने बताया जैसे इस वाले सेल में हमारा रिडक्शन जो हुआ था इधर हुआ था, और ये क्या था कैथोड, तो रिडक्शन होता है कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड पर, और कैथोड क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो इस पूरे फिगर को, इस पूरे सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा इस सेल को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप एक बार फिर देखिए, जिंक का की रोड को जिंक के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, कॉपर की रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, सोल्ट ब्रिज से दोनों सॉल्यूशन को जोड़ रखा है। जब हमारा सर्किट पूरा हुआ तो जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा, इसका मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर पर हमारा रिडक्शन हुआ, ये एनोड हो जाता है हमारा, ये कैथोड हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री है इस चैप्टर का आपका एक्सरसाइज का, और ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें पूछा गया है, देखिए कि हमें ये रिएक्शन दी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन है कोई इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन है और प्लस 2Ag। देखिए ये रिएक्शन की बात है। अब इस रिएक्शन में हम तीन चीज पूछी जाती है, पहला पूछा गया था विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रोड है जिंक और सिल्वर, इनमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है। अच्छा सेकंड पूछा गया कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, करंट किधर से किधर गया, जैसे इस वाले सेल में हमारा करंट किधर से किधर गया था
करंट फ्लो इधर से हुआ था कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, या ये कह लीजिए कैथोड टू एनोड, या ये कह लीजिए रिडक्शन टू ऑक्सीडेशन, मतलब इधर से रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जब ये सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमारा करंट जाता है, ये करंट फ्लो इधर हुआ ऐसे, इलेक्ट्रॉन फ्लो उधर हुए। तो इसमें पूछा है एक तो हमें नेगेटिवली चार्ज कौन है, करंट किधर से किधर गया, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग रिएक्शन लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमें सेल रिएक्शन गिवन है, जैसे ये सेल रिएक्शन गिवन थी हम इसका सेल बनाएंगे, उसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन छांटना पड़ेगा, जेड एन का जेड एन टू पॉजिटिव में क्या होगा ऑक्सीडेशन, एजी पॉजिटिव का एजी में क्या होगा रिडक्शन, ठीक। अब हम सेल बना लेंगे, हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, जिसका जिसमें हुआ जेड एन का जेड एन टू पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हुआ, और राइट साइड में हम रिडक्शन लिखते हैं एजी पॉजिटिव सिल्वर इलेक्ट्रोड का एजी में रिडक्शन हुआ वाला। अब टू मोल है इसके, लिखना चाहो लिख लो, तो लिखना चाहे ना लिखो, सोल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ सोल्यूशन है, इधर क्या है हमने बताया अभी ऑक्सीडेशन, इधर क्या है हमारा रिडक्शन, या ये क्या होता है हमारा कैथोड, और ये क्या होता है एनोड, ये इधर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, करंट किधर जाता है राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह सब पता चल जाएगा आपके सारे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उसके आंसर आ जाएंगे। एक वर्ड याद रखना आप लोन, एल ओ ए एन, हम लोन लेते हैं मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोन, इसका मतलब है लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा, समझ गए। जैसे इसमें जिंक हमारा, जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक एनोड होगा और जिंक नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसे ये वाला था हमारा, इसमें भी ऐसे ही सेम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पर क्या क्या पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट था विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो कौन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड है जिंक, जिंक इलेक्ट्रोड। सेकंड, कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, सेल किधर से किधर गया, इधर से इधर, एजी टू जिंक, सिल्वर टू जिंक हमारा करंट गया। और आप थर्ड पार्ट है इसमें अलग अलग रिएक्शन लिखिए, तो अलग अलग रिएक्शन हम लिख देंगे, ऑक्सीडेशन इसका हुआ जेड एन का जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ एजी पॉजिटिव का एजी, इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, ये हमारा रिडक्शन हुआ, ये एनोड पर हो गया, ये हमारा कैथोड पर हो जाता है। तो इस तरीके से किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक दो क्वेश्चन में आपको एक दो रिएक्शन और देता हूं, उसमें हम देखते हैं करके, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। देखिए एक सपोज मान लीजिए आपको कोई भी रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन दे दी एन फाइव प्लस टू ए जी पॉजिटिव इज इक्वल टू एन फाइव टू पॉजिटिव प्लस टू ए जी, मान लीजिए सेल रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें ये कहा, बताइए आप कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन करंट किधर से किधर गया, इंडिविजुअल रिएक्शन दीजिए अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहला वही काम करेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन छांटते हैं, एन आई का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इधर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, इधर प्लस टू है, एजी का एजी पॉजिटिव का एजी में क्या हुआ हमारा रिडक्शन, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, इधर जीरो है, सबसे पहला काम। फिर इसके बाद हम सेल बनाते हैं, इसका सेल बनाते हैं, अभी हमने बताया आप लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, एन आई का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ एन आई टू पॉजिटिव, रिडक्शन किसका हुआ एजी पॉजिटिव का किसमें हुआ एजी, बीच में दो डंडे सोल्ट ब्रिज, ठीक है। तो बस अब वो एल ओ ए एन इससे पता लग जाएगा, या इसे आप इधर लिखो लेफ्ट साइड में एल ओ ए एन, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है, एनोड है और नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन हुआ निकिल का, एनोड निकिल इलेक्ट्रोड है और नेगेटिवली चार्ज भी निकिल इलेक्ट्रोड है, कैथोड सिल्वर इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर इलेक्ट्रोड है और रिडक्शन हुआ सिल्वर इलेक्ट्रोड का। एक चीज और है, एक वर्ड होता है एबीसी, तो सबको पता है एबीसीडी पढ़ते हैं शुरुआत से, सबसे पहला ए बी सी, इसका मतलब ए सी भी ध्यान रहे आप लोगों के, एनोड कैथोड बीच में ब्रिज, एनोड कैथोड और बीच में सोल्ट ब्रिज,
तो इस तरीके से हम किसी को सेल रिएक्शन की बने कि इस सेल के अंदर ये सेल रिएक्शन हो, इसका सेल रिप्रेजेंट करिए या उसमें करंट बताइए किधर से किधर गया। इसमें करंट जाएगा सिल्वर टू निकिल, इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकिल टू सिल्वर, कौन नेगेटिवली चार्ज है कौन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो बता सकते हैं। दूसरा इसका रिवर्स उल्टा भी हो सकता है, हमें सेल दे दिया, सपोज हमें सेल दे दिया Cr3 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज Pb2 पॉजिटिव टू Pb, मान लीजिए आपको सेल दे दिया और ये कहा आप इसकी सेल रिएक्शन बनाइए, रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन इसके अंदर कंप्लीट हुई वो बताइए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, इसमें उसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है हमें। तो इधर क्या था हमारा ऑक्सीडेशन, इधर क्या था हमारा रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन लिख लो ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा Cr, किसमें हुआ Cr3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे राइट साइड में, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आते हैं, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखे जाते हैं। और ये ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड, ठीक है, फिर रिडक्शन, और रिडक्शन किस पर होता है कैथोड पर, किसका रिडक्शन हुआ Pb2 पॉजिटिव का, किसमें हुआ Pb, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाती है, ये इक्वेशन 2 हो जाती है, दोनों को प्लस कर देते हैं। अब जैसे हम क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बैलेंस कर देते हैं I इलेक्ट्रॉन मेथड से, पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं दोनों के, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, तो इस वाले को तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इस वाले को कितने से कर देते हैं 3 से, तो 3 2 6 और 2 3 6 इधर का इधर आ जाते हैं उधर का उधर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ध्यान दें पूरी रिएक्शन में, ये बन जाएगा 2Cr ऊपर वाले में प्लस Pb, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3Pb2 पॉजिटिव इक्वल टू 2Cr3 पॉजिटिव और प्लस 3 Pb, तो ये इस सेल की सेल रिएक्शन होगी, जैसे इस सेल रिएक्शन से सेल बनाया था हमने, तो इस सेल से हमने सेल रिएक्शन बना, तो इस तरीके से हम सेल रिएक्शन बनाते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद, वो आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर हम किसी मेटल की रोड को, सपोज ये हमारी कोई मेटल की रोड है और उसी के सोल्ट, जैसे जिंक की रोड है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो, या कॉपर की रोड है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो, या सिल्वर की रोड है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो, तो किसी मेटल की रोड को अगर हम उसी के सोल्ट में डिप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इस रोड पर एक चार्ज आ जाता है, इस रोड पर चार्ज आ जाएगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए इस रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया, किस पर पॉजिटिव आता है किस पर नेगेटिव अभी बताया जाएगा आपको। अभी आप आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, तो सीरीज में जो हमारी हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल होती है उन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल है उन पर आएगा निगेटिव चार्ज, तो वो बताएंगे आपको। तो मेटल की रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये मेटल थी, मेटल ने, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा n इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑक्सीडेशन हुआ मान लीजिए इस पर, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही सॉल्यूशन में उसके ऊपर चारों तरफ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है इनके बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, अगर Mn पॉजिटिव किसी पर रिडक्शन होगा उसने n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए m में चेंज हो गया, तो वो फिर उसका जो पोटेंशियल आता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है।
अगर ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहां रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, तो फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। जैसे इसके दो एग्जांपल ये मान लीजिए, एक ये अगर हमने जिंक की रोड और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, ये हमारी जिंक की रोड है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जिंक की रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है ठीक है, और ये Zn2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा निगेटिव, और इस रोड के चारों तरफ सॉल्यूशन में उतना ही जिंक आयन का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कॉपर की रोड है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हमने कॉपर की रोड डिप कर दी, तो जब हम कॉपर की रोड डिप करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन है, उन Cu2 पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके, वो Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके और किसमें चेंज हो जाते हैं Cu, तो यहां पर आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन के चारों तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, उस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट में डिप करते हैं तो रोड पर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जिसे बैलेंस करने के लिए सॉल्यूशन में उसके चारों तरफ उतना ही अपोजिट चार्ज आ जाता है, उस जिसे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद छोटी छोटी सी दो तीन टर्म्स है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकेंड होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट। ये क्या होता है भाई, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने बताया किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट में डिप कर दिया, बस स्टैंडर्ड में क्या है स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेनली इन चीजों पर डिपेंड करता है, और चार्ज ऑफ मेटल कहता है चार्ज और नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, देखिए इन तीन चार चीजों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मेटल रोड जो उसका चार्ज और मेटल इलेक्ट्रोड का नेचर, इन सब चीजों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो अगर हम टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसे केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन, और हमारा जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो वन मोलैरिटी का कंसंट्रेशन हो, तो फिर जो हमारा पोटेंशियल क्रिएट होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। मींस अगर फिर हम कोई मैट हमारे पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये वन मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चीज मैटर नहीं करती, आप कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है कितनी उसकी का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ आपका वन मोलैरिटी का सॉल्यूशन है और इतना टेम्परेचर है, फिर उसमें जो मेटल हम रोड डिप करते हैं फिर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब 298 केल्विन और वन मोलैरिटी के सॉल्यूशन में जब हम किसी मेटल की रोड को डिप करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसे ई नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड थर्ड थर्ड होता है हमारा मेजरमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, देखिए किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन करना नहीं हो सकता, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ती है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो ईएमएफ वैल्यू होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारी रीडिंग आती है वोल्टमीटर से, उस रीडिंग की हेल्प से ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड,
ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो सेल का ईएमएफ है वो डिफरेंस होता है, एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड का। यह हमने अभी बताया था आपको कि जब हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैथोड राइट साइड में लिखा जाता है, एनोड लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो जनरली हम इसे ई आर माइनस ई एल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी बोल देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू तो हमें पता चलती है हमारे एमीटर की रीडिंग से। राइट और लेफ्ट इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें निकालना, तो उसके लिए दूसरे का हमें पता होना चाहिए। तो जिस दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता होता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और उसके लिए हमने जैसे कि अभी आपको बताया, एक हमें ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता हो। मान लीजिए हमें ई आर राइट में जो हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें निकालना है, लेफ्ट वाले की वैल्यू हमें पता है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, ई सेल हमारा रीडिंग आती है वोल्टमीटर से, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड निकालते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है, और उसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनएचई। एनएचई मीन्स नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें प्लेटिनम का वायर जिसमें नीचे प्लेटिनम की कोटिड लगी होती है, और ये एक ग्लास ट्यूब में सील्ड होता है। इसमें यहां से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन एक जैसी होती है, टेम्परेचर उनमें सेम होता है, प्रेशर नॉर्मल में हम एटमोस्फेयर की जगह बार में ले सकते हैं, और बार में और एटमोस्फेयर में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, केवल 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू कितना होता है 1.013 बार। तो ये लगभग इक्वल वैल्यू है, इसलिए नॉर्मल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही लिया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 एटमोस्फेयर पर, और इस यह हमारा प्लेटिनम का वायर है, और ये प्लेटिनम कोटेड, प्लेटिनम कोटेड विद प्लेट विद प्लेटिनम ब्लैक, और इसे हम 1 मोलैरिटी के HCl के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ये हमारा 1 मोलैरिटी का HCl का सॉल्यूशन है। तो ये एक इलेक्ट्रोड बनता है हमारा, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसकी खासियत यह है कि इस पर चाहे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो, चाहे एनोड का वर्क करता हो, चाहे कैथोड का वर्क करता हो, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 वोल्ट होगी। तो जब यह एट एनोड, जब यह एनोड की तरह वर्क करता है, मतलब इसको ऑक्सीडेशन होता है, तो इस पर यह रिएक्शन कंप्लीट होती है, H2 गैस 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह ऑक्सीडेशन। और जब यह कैथोड की तरह वर्क करता है तो इस पर रिडक्शन होता है, ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, तब ये क्या होगा रिडक्शन। और चाहे इस पर ऑक्सीडेशन हो चाहे इस पर रिडक्शन हो, हर कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होती है E नोट वो 0.0 वोल्ट होती है, यहां भी और इस कंडीशन में भी। तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है 0 वोल्ट। इसकी हेल्प से फिर हम दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे प्रिपेयर करना और यूज करना बहुत कठिन काम है, तो इसकी जगह आजकल कैलोमल इलेक्ट्रोड भी यूज किया जा सकता है, वैसे हमारे सिलेबस में यही है। अब इसकी हेल्प से किस तरीके से हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे एक एग्जांपल है इसका, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
जिंक इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हमें जिंक का निकालना है, तो एक तरफ हम जिंक मेटल की रोड देंगे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ये जिंक मेटल की रोड है, उसे उसी के सोल्ट, वही हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें डीप कर दिया। एक तरफ लगा देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की वायर, नीचे प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, ये सील्ड ट्यूब जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 एटमोस्फेयर पर, और इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 मोलैरिटी के 1 मोलैरिटी का HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों रोड को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और ये बीच में हमने लगा दिया वोल्टमीटर, और दोनों को न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सोल्ट ब्रिज जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हमारा सर्किट पूरा होता है तो सर्किट जब, तो वोल्टमीटर का साइन हमें ये बताता है कि किधर से किधर करंट गया, मान लीजिए वोल्टमीटर का साइन इधर आ गया इस साइड, तो इसका मतलब इधर से इधर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो इधर से इधर हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब ध्यान से देखना जरा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड ने फ्री करे, मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक एनोड हो गया हमारा यहां पे, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। तो जिंक एट एनोड, एनोड एनोड कौन हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करे इसने, टैडन 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गए इधर वायर से, ठीक है, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसने यहां काम किसका किया, कैथोड का, उसने कैथोड का वर्क किया, और जब कैथोड का वर्क करते हैं तो ये रिएक्शन होगी, 2H पॉजिटिव में उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें चेंज हो जाता है, H2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर का इधर उधर का उधर आ जाएगा, हमारा Zn प्लस 2H पॉजिटिव इक्वल टू Zn 2 पॉजिटिव प्लस H2, ये सेल की क्या बनी, सेल रिएक्शन। अब इस सेल को इसकी बजाय एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट जैसे हमने बताया था, तो उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूले को अभी मैं मिटा रहा हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। तो हम इसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn का, Zn 2 पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, दो डंडे वो सॉल्ट ब्रिज, और रिडक्शन हुआ हमारा 2H पॉजिटिव का किसमें, H2, ये सेल बन गया। और हमने बताया था लोन, मतलब लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हमारा रिडक्शन, लेफ्ट साइड में हमारा एनोड, राइट साइड में हमारा कैथोड। अब आप फॉर्मूले अप्लाई करिए, वही ई नोड सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई एन, हमें कौन से किस इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालनी है, जिंक इलेक्ट्रोड की, ई नोड सेल की रीडिंग हमारी यहां से आएगी वोल्टमीटर से, मान लीजिए वो रीडिंग आई हमारी 0.76 वोल्ट, जिंक कितनी होती है, तो मान लीजिए रीडिंग है 0.76 वोल्ट, ई आर इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में, तो हमें ई एल की वैल्यू निकालनी है लेफ्ट इलेक्ट्रोड की, राइट में कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो वैल्यू कितनी होती है, हर कंडीशन में 0 वोल्ट, तो ई आर तो हमारा कितना हो गया 0, ई एल हमें निकालना है, तो ई एल आ जाएगा हमारा -0.76 वोल्ट। तो जिंक इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हमारी वो कितनी आई, 0.76 वोल्ट। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और देखिए, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का निकाला हमने, तो इस बार हम आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल कर दिखाते हैं, एग्जांपल नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अगर हमें कॉपर का निकालना, तो हम कॉपर की रोड दे देते हैं, कॉपर की रोड और वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इधर वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का वायर, इसे हमने सील्ड वेसल में कर दिया, हाइड्रोजन गैस 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, और ये 1 मोलैरिटी का हमारा HCl का सॉल्यूशन है, दोनों को हमने वोल्टमीटर से जोड़ दिया और सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, ठीक है।
अब जब सर्किट पूरा होता है, मान लीजिए इस बार करंट इधर गया, ठीक है, कॉपर टू हाइड्रोजन, यहां हमारा करंट गया था हाइड्रोजन टू जिंक, तो इस बार हमने इस वाला एग्जांपल ले लिया कि वाला, तो हमारा करंट गया इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ। अब जब हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन फ्री करे, तो ऑक्सीडेशन इस बार हाइड्रोजन पर हुआ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किस पर हुआ, हाइड्रोजन पर, और जब हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन होता है तो हमने रिएक्शन बताई थी आपको, ये इक्वेशन वन, तो रिडक्शन ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है, इस बार ये हमारा क्या बन जाता है, एनोड हो जाएगा इस बार, और रिडक्शन जो हमारा हुआ वो किस पर हुआ, कॉपर पर, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में सी यू टू पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन आए वो उन्हें गेन करने के बाद इसमें चेंज हो जाते हैं सी यू में, तो ये हमारा क्या हुआ, कैथोड। अब वही दोनों को प्लस कर दो, टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर का इधर, उधर का उधर, तो क्या होनी चाहिए रिएक्शन, H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू 2H पॉजिटिव प्लस C, ये क्या बन गई, सेल रिएक्शन। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, सेल, इस तरीके से सेल, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ इसमें, H2 का, किसमें हुआ, 2H पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ था, रिडक्शन किसका हुआ, Cu2 पॉजिटिव का, किसमें हुआ, Cu में, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, वही E नोट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, ई नोट सेल कहां से पता चलेगा, यहां से जो रीडिंग आएगी हमारी वोल्ट मीटर से, मान लीजिए वो रीडिंग आई हमारी 0.34 वोल्ट, और ई आर ई एल राइट और लेफ्ट, राइट में कॉपर इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां पर मत जाइए, यहां पर नहीं, इस सेल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर देखेंगे हम इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहां देखेंगे यहां पर, क्योंकि इधर हमेशा हमारा रिडक्शन होगा, इधर हमेशा हमारा जो है कैथोड होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इस सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड कहां है हमारा, राइट में, तो राइट वाले की तो वैल्यू इस बार हमें निकालनी है कॉपर इलेक्ट्रोड की, और लेफ्ट में हमारा कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की हमें पता होती है कितनी होती है, जीरो, तो ई आर जो हमारा जाएगा यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था हमें, तो Cu2 पॉजिटिव टू C 0.34 वोल्ट, तो जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना आया, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इतना आया, तो इस तरीके से एक करके सारी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वन। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं उसके बाद उनकी एक सीरीज बनाई जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, उस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, और उस सीरीज से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है।